सो मैं आ गई हूँ डी मार्ट। कल पूजा है उसका सामान लेने के लिए। कल पूजा के लिए सामान वगैरह लेने के लिए, तो बस वो मिल जाए पूरा। सो मम्मी ने बोला है मेहंदी लगा लेना, तो मेरे इस हाथ में आगे की तरफ तो लगी हुई है और राइट हैंड में मैं लगा नहीं सकती, मैं लेफ्ट ही हूँ। सो मैं सोच रही हूँ एक हाथ के पीछे की साइड में मेहंदी लगा लेती हूँ। और वैसे भी मुझे भाभी ने चला रखी है एक साल के लिए, तो मुझे वो टाइम टू टाइम लगानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम लगाई थी, तो बैक साइड में मैं लगा लेती हूँ। मुझे ऐसी आती है, बहुत अच्छी नहीं आती, बट ये है कि हाँ कि बिना ऐसे किसी के भी नॉर्मल थोड़ी अच्छी सी मेहंदी मैं लगा सकती हूँ, तो बस लगा ली, थक गई थी मैं बहुत। आज है नवमी और मैं बना रही हूँ भोग। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी, आटा वगैरह सब कुछ लगा दिया था, बस अब प्रसाद बना के फिर मैं जोत करूँगी। और आज मेरा भटूरे खाने का इच्छा थी, मतलब मैंने पूरे पिछले 9 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, तो अब इतना तो चीट मील चलता ही है, तो मैं बनाऊंगी भटूरे, लेकिन उससे पहले मैं करूंगी पूजा। हे पहला मनावा गणपत देव ने पछे शरद मान मनावा रे कर देती हूँ। सो ये हो गए मेरे प्रसाद पैक। मैं एक है जो दे आई हूँ पड़ोस में। सब काम से फ्री हो गई थी, वो भी खा के चले गए थे खाना वगैरह। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ अब, और मैंने फर्स्ट टाइम भटूरे ट्राई, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भटूरे ट्राई किए थे, और ये सच में सारे एकदम फूले फूले बहुत सॉफ्ट बने हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी थी, फिर मैंने एक रेसिपी चूज़ की, वो सच में बहुत इफ़ेक्टिव थी। और ये देख लीजिए, बिल्कुल आपकी आँखों के सामने है, बिल्कुल फूले हुए, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छे से पक गए थे। तो थोड़ा थोड़ा टैलेंट है ही, जो कभी कभी निकल के आ जाता है बाहर। वैसे नहीं खाना चाहिए इतना ऑयली, बट कभी कभी चलता है। तो मेरा बहुत टाइम से मन था, तो मैंने बाहर नहीं जा सकती थी आज, तो फिर मैंने घर में बना लिया और बहुत टेस्टी बना। तो ये देखिए, ये मेरा भटूरा एकदम रेडी है, ऑयली है, ऑब्वियसली ऑयल में फ्राई होता है तो ऑयली तो रहेगा ही, चाहे आप कितना भी अच्छा ऑयल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और मैंने इतना सा प्रसाद लिया क्योंकि मैं मीठा नहीं खा सकती इतने दिनों के बाद में, तो बिल्कुल ही नहीं। और ऑब्वियसली पूरे खाने के साथ में छाछ तो ज़रूरी है। सो मैं अपना खाना इंजॉय करती हूँ, और इस ब्लॉग को अब बस इसके बाद मैं अपने खाना खाने के बाद मैं अपने पड़ोस में रहती है।
एक जीजा रहते हैं और मैं उनके पास चली गई थी, थोड़ी देर उनसे बातें बातें करी, वो उसकी क्लिप आगे है। सो उसके बाद इस ब्लॉग को मैंने कुछ ज़्यादा इतना शूट वगैरह नहीं किया था, ये छोटा सा ही ब्लॉग है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनके नोटिफिकेशन हैं मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय। कहाँ जाएगा ले? इसको समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं कहाँ। अरे अरे मम्मी भाग रहा है। गिल्लू अरे अरे वो बुला रहा है। गिल्लू से डर गया था। अच्छा गिल्लू वो देख कौन बुला रहा। आज आज इधर लाओ बेटी, इधर लाओ, इधर इधर बस बस ये।